अब चलते हैं मांडू के मोस्ट विजिटेड जगह में, जिसका नाम है जहाज महल, मिताली का पहला डेस्टिनेशन। और देखिए गेट पर ही उन्होंने एक खूबसूरत सी रील अपने लिए बना डाली। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, सुबह मॉर्निंग योगा होता है यहाँ पे, वो आज हम नहीं कर पाए। ब्यूटीफुल दिखाई इतनी सारी स्टोरीज है, कितनी सुंदर जगह है। और सब जगहों पे जो लोग गए हैं उन लोग ने हमारे देश की हिस्ट्री बनाई है। अब अंदर दाखिल होते हैं जहाज महल में। यहाँ की खूबसूरती ने कैसे मिताली का दिल खींच लिया और वो गुम हो गई किसी के प्यार में। रानी रूपमती और बास बहादुर की प्रेम कहानी यहाँ आकर खो गए थे, जैसे कि शायद मैं भी खो रही हूँ। वैसे जहाज महल का नाम जहाज क्यों पड़ा, ये मिताली को यहाँ पर आके ही पता चला। तो आपको सबसे पहले तो रीजन बताती हूँ कि इस जगह को जहाज महल क्यों बोला जाता है। आई थिंक कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीव, क्योंकि ये जहाज के शेप में है, इस जगह को जहाज महल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जहांगीर जब वो यहाँ आए थे तब उन्होंने देखा कि ये जगह पानी से सराउंडेड है, इसीलिए उन्होंने इस जगह रखा जहाज महल। और आपको एक और बात बताऊँ, बास बहादुर और रूपमती वो जब यहाँ आए थे उन दोनों ने इस जगह को रहने के लिए सिलेक्ट किया, इस जगह को अपनी प्रेम कहानी जीने के लिए सिलेक्ट किया। Isn't it amazing? Wow, I can't wait to know more about this place. चलो चलो जल्दी चलो। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना ये देख के कि इतनी सुंदर जगह हिंदी फिल्मों में अभी तक यूज़ की हुई, तो गाइज लेट मी टेल यू कि यस, ये जगह हिंदी फिल्मों में यूज़ हुई है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं नज़ारे यहाँ के, और ये भी बताएंगे कि कौन सी हिंदी फिल्म में ये जगह यूज़ हुई है। अब जरा सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं इस जहाज महल पर, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं हैं, धरती और नदिया के बीच में बना हुआ ये महल ऊपर से बड़ा ही खूबसूरत लगता है। थक तो गई हूँ, बढ़िया वाला काड़ी हो रहा है यहाँ पे। स्विमिंग पूल है, मतलब ये जमाने में भी रूफटॉप स्विमिंग पूल हुआ करता था। आई थिंक दिस वाज बी वन ऑफ द फर्स्ट, राइट? आजकल तो बड़े ट्रेंड में रूफटॉप स्विमिंग पूल्स। और ये इसी भी चल रहा है। हमारे यहाँ के राजा महाराजा रानियाँ रूफटॉप पूल में स्विमिंग करती थी और यहाँ नेचुरल एसी की हवा खाया करती थी। वैसे जहाज महल एक जमाने में रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल हुआ करता था, जहाँ पर कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे। वैसे मिताली को यहाँ पर भाया यहाँ का मेन अट्रैक्शन, जो है एक रूफ टॉप स्विमिंग पूल, ओपन एयर स्टेज, जहाँ पे कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे बारिशों के टाइम। एक और स्टेज वहाँ बना कितनी सारी अद्भुत जगह है जो मैं यहाँ मांडू में आके डिस्कवर कर रही हूँ। मुझे तो सीरियसली नहीं पता था कि मध्य प्रदेश की धरती पे मांडू जैसा इतना बड़ा जेम है। मैं बोल रही हूँ गाइज, आप लोगों को मांडू आना ही आना है, क्योंकि आप अपनी कंट्री के बारे में, अपने कल्चर के बारे में इतनी अच्छी सारी चीज़ें यहाँ से जानेंगे
इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर जाएंगे। अब देखिए कहाँ, जब हम मुंबई में और बड़े शहरों में रहते हैं तो सब कुछ कॉन्क्रीट है, और ये सब कंस्ट्रक्शन देखिए, ये सब सदियों पुराना कंस्ट्रक्शन है। और चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, हर चीज को सहन करने वाला ये स्ट्रक्चर है। और ये आ गए हम रूफ टॉप स्विमिंग। और आपने देखा होगा कि मांडू सराफा हिल्स आल्सो, राइट? तो आई थिंक ये जगह तो बहुत ही सुंदर हो जाती होगी बारिश में। क्या बोलते हैं आप लोग, एक ट्रिप मानसून इन मांडू होना चाहिए कि नहीं? जहाज महल में आकर मिताली बिल्कुल रिफ्रेश हो गई। अब बढ़ते हैं मिताली के साथ अगले पड़ाव पर, जिसका नाम है हिंडोला महल। जी हाँ, जहांगीर ने एक जमाने में ये महल बनवाया था, जिसे हिंडोले का नाम दिया गया है। देखते हैं हिंडोला महल को और गेस करते हैं कि रानी रूपमती झूले कहाँ झूलती थी। तो अब मैं आपको यहाँ का नेक्स्ट महल दिखा रही हूँ। इस महल की खास बात ये है कि यहाँ पे रानी रूपमती झूला झूला करती थी। हाँ बोलिए कि रानी के झूला झूलने के लिए भी एक महल। वाह, लाइफ दे लिव्ड। पर वैसे ये भी कहा जाता है कि ये महल ओरिजिनली मंदिर हुआ करता था, और फिर इन्वेडर्स ने यहाँ की जो मूर्तियाँ थी उनको कवर करने के लिए इस तरीके की स्लांटिंग वॉल्स बनाई हैं, और इसी वजह से इस महल का नाम पड़ा है हिंडोला महल। वैसे हिंडोला महल के अंदर एक बड़ा सा कुआं है और ढेर सारी ऐसी जगह जो बिल्कुल आपको भूल भुलैया का एहसास देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस बावड़ी का जो पानी, बावड़ी मतलब कुआं होता है, उसका जो पानी वो चंपक के फूलों की जैसी उस पानी से खुशबू आती है। पानी तो इसमें अभी भी है, बस आई थिंक इस पानी को थोड़ा सा साफ करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर हमारी अथॉरिटीज़ इस पे काम ज़रूर कर रही हैं, और जैसे जैसे लोग यहाँ आएंगे इस जगह को और फेमस करेंगे, आई एम श्योर कि जल्दी ये पानी डुबकी मारने लायक क्लीन हो जाएगा। वैसे इसी जगह पर वो मशहूर गाना नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, फिल्म किनारा का हेमा मालिनी और जितेंद्र का गाना फिल्माया गया था, और वो गाना आज यहाँ पर मिताली ने रिक्रिएट किया। यहाँ तो एकदम भूल भुलैया जैसा है रे भाई, लेकिन जो भी है बहुत सुंदर है। और यहाँ देखिए मेरी आवाज ही पहचान याद। आप लोगों को पता है मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ? क्योंकि किनारा फिल्म का ये गाना इसी महल में फिल्माया गया। कितनी खूबसूरत बात है, और कितना खूबसूरत ये महल है। और आप लोगों को पता है कि सिर्फ किनारा फिल्म नहीं बल्कि और भी इतनी सारी बॉलीवुड फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हुई है, जैसे कि पैडमैन, कठपुतली और दबंग की भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। पूरा दिन बीत गया मांडू घूमने में।